असलम वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड आज की वीडियो में हम एम टी एच थ्री जीरो वन का लेक्चर नंबर फोर्टी थ्री करेंगे जिसका टॉपिक है फंक्शन विद पीरियड्स ओवर पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जिस पीरियड का फंक्शन या सॉरी जिस फंक्शन का पीरियड टू पाए से कम हो यानी हमने कहा था कि वैसे हम जो नॉर्मल पीरियड्स लेते हैं ना वो किस तरह से लेते हैं माइनस पाए से पाए तक होना चाहिए या जीरो से टू पाए तक होना चाहिए या माइनस पाए बाय टू से थ्री पाए बाय टू तक होना चाहिए इट मीन्स कि इनके दरमियान ना टू पाए का फासला है इन दोनों के तीन सब के दरमियान तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर फासला टू पाए के बजाय कम हो तो फिर कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं अब इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि अगर इनके दरियान जो इंटरवल है वो टू पाए से ज़्यादा हो जाए बड़ा हो जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए देखें हम यहाँ पे अगर लेट कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो बाई के इक्वल है और उसकी जो रेंज है जिसपे वो डिफाइंड है वो माइनस टी बाई टू से टी बाई टू तक है टी की कोई भी वैल्यू हो सकती है

जो एफ ऑफ एक्स था उसको हमने एफ़ ऑफ़ टी में कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो एफ ऑफ टी एक हो जाएगा हम पहले किस तरह से लिखते थे हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस हमारा जो पीरियड होता था तो यहाँ पे हमने एक्स को क्योंकि टी में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ़ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस पीरियड को हमने ऊपर यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो पीरियड हम ले रहे हैं वो टी है तो इस पी की जगह हम टी लिख देंगे तो ये इस तरह का फंक्शन बन जाता है नोटेशन सेम है सिर्फ जो है ना सिंबल्स चेंज कर दिए गए हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ईच साइकिल इज कम्पलीटेड इन टी सेकेंड्स एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी कि ये यह जो यहाँ पे पीरियड है इसका मतलब यही है ना कि एक साइकिल कम्प्लीट हो रहा है पीरियड यही होता है कि एक ऐसा इंटरवल जिसके बाद फंक्शन ख़ुद को रिपीट करने लग जाए तो ये टी जो है इसका पीरियड है और जो टी की वैल्यू है उसको यूज़ करते हुए हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं एफ़ इज़ इक्वल टू वन ओवर टी ये फिजिक्स में भी फार्मूला पड़ा होगा अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है तो इफ़ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से शो करते हैं ओमेगा रेडियंस पर सेकंड डिफाइंड बाय ओमेगा का फार्मूला टू पाई एफ़ होता है देन ओमेगा का ये जो फार्मूला एफ़ है इसकी जगह अगर हम वन ओवर टी पुट कर दें तो वो टू पाई ओवर टी बन जाएगा ना ये इस एफ़ की जगह हम पुट कर दें टू पाई एज इट इज़ एफ़ की जगह वन ओवर टी पुट कर दें तो ये वन से मल्टीप्लाई होकर टू पाई ओवर टी तो ये ओमेगा का फॉर्मूला बन जाता है और अगर आप यहाँ से ओमेगा की बजाय टी निकालना चाहते हैं तो टी उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओमेगा यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने फ्रीक्वेंसी वन ओवर टी के इक्वल होती है ओमेगा जो है वैसे तो टू बाई एफ होता है लेकिन हमने यहाँ पे जो यूज करना है ना वो टाइम पीरियड के हिसाब से यूज करना है डब्ल्यू ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई ओवर टी यानी इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस फार्मूले के अंदर और अगर टी निकालना है तो वो टू पाई ओवर ओमेगा से निकलेगा ऑलसो एक्स इज इक्वल टू मेगा किस में चेंज कर देना है ओमेगा टी में यानी अगर आप पहले जैसे एक फंक्शन लिख रहे थे ना साइन एक्स अब आप उसको लिखेंगे साइन ओमेगा यानी एक्स की जगह आपने ओमेगा टी लिख देना है ठीक है इस तरह से अगर आप पहले कोई फंक्शन लिख रहे थे साइन एन एक्स तो उसकी जगह अब आप लिखेंगे साइन एन ओमेगा टी बेसिकली हम सिर्फ क्या कर रहे हैं एक्स को चेंज कर रहे हैं ओमेगा टी के साथ तो फिर जो हमारी फोर ईयर सीरीज़ बनती है उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह की आ जाएगी हमारे सामने जो पुरानी फोर ईयर सीरीज थी उससे हम कंपेयर करके यहाँ पे इसको लिखते हैं तो पुरानी फोर ईयर सीरीज में आपके सामने पहले लिख देती हूँ जो पहले हमने पढ़ी हुई है एन इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी और यहाँ पर हम लिखते हैं ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स तो देखें जी हमने क्या किया यहाँ पे ये पहला तो एज इट इज़ सिमेशन वाली टर्म भी एज इट इज़ ए ए एन भी एज इट इज़ कॉज एन इसके साथ एक्स आ रहा था तो एक्स की जगह आपने ओमेगा टी लिख दिया इसी तरह से बी एन साइन एन एज इट इज़ इस एक्स की जगह आपने ओमेगा टी लिख दिया तो सिर्फ इतनी सी चेंजिंग हुई है उसके अलावा वही चीज़ है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स कर देना तो ये जो एम्पलीट्यूड है उसको कैपिटल ए से शो कर दें और सिग्मा जो है वो इक्वल हो जाएगा ये इनको आप अगर मिला के लिख दें तो ये बन जाता है ए बी एन साइन एन ओमेगा टी प्लस पाए ये सिर्फ आपने एम सी की के लिए फार्मूला याद करना है ठीक है जो हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे ना वो ये वाला है ऊपर वाला अच्छा जी फोर ईयर कोएफिशिएंट कोफिशियट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं ए नॉट ए एन और बी एन तो उनके फार्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो वो थे सिंपल फोर ईयर सीरीज़ के लिए लेकिन जब आप फोर ईयर सीरीज़ इस तरह की यूज़ कर रहे हैं कि जिनके अंदर ओमेगा टी वगैरह आ रहा है फिर वो उनका फार्मूला ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कैसे चेंज हो जाएगा देखें ज़रा ए नॉट इज इक्वल टू हमने पहले पढ़ा हुआ हमारे पास था होता था वन ओवर पाए इंटीग्रेशन के अंदर हमारी लिमिट्स आती थी माइनस पाए बाय टू से पाए तक साथ में एफ ऑफ एक्स डी एक्स आता था लेकिन अगर आप इस माइनस पाए बाय टू को कन्वर्ट कर देते हैं ना जीरो के अंदर तो बाहर आपको यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ता था यानी अगर आप इसको जीरो बनाते हैं तो यहाँ टू आ जाएगा तो वही हमने यहां पे है। लेकिन पाए नहीं हम यूज कर, कर तो फॉर्मुला पढ़ा था हमने देखा था कि टी इज इक्वल टू होता है टू ओमेगा तो इस टी की जगह अगर हम लिखते हैं टू ओमेगा तो टू और टू कट हो जाएगा ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा ओवर पाई बन जाएगा और इस टी की जगह भी आप टू पाए ओवर ओमेगा लिख दें और एफ ऑफ टी डी टी यानी इन दोनों में से जो फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं पहले आपने ये लिखना होता है वैसे हमेशा उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं इसी तरह से ए एन का फॉर्मूला ए एन के फार्मूले में कॉज एन आता है ना कॉज एन एक्स आता था लेकिन एक्स की जगह आपने ओमेगा टी लिख देना है लिमिट जीरो से टी तक और बाहर इसी तरह से टू ओवर टी क्योंकि नीचे जीरो लिमिट आ रही है और इसी तरह से आप इधर भी टी की जगह टू पाएर ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा पर पाए बचेगा और ऊपर जो टी है उसकी जगह भी टू पाएर ओमेगा पुट कर दिया तो ये आपके पास दो ए एन के आ गए इसी तरह से जब आपने बी एन का लिखना है फार्मूला तो टू ओवर टी जीरो से टी तक लिमिट्स एफ ऑफ टी साइन एंड ओमेगा टी डी टी तो ये आपने ना यहाँ पे तीन फार्मूलाज अब यहाँ पे ओमेगा और टी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये याद कर लेने ठीक है थीके? पिछले तो आपको होप सो याद हो ही गए होंगे अब तक उसके बाद जी लिमिट्स कैन बी जीरो टू टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू माइनस पाए बाय ओमेगा टू बाय मेगा इस तरह से जीरो टू टू पाई ओवर मेगा यानी कोई भी लिमिट्स हो सकती है जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीरो से टी तक हो इनमें से कोई भी लिमिट्स आप यूज कर सकते हैं जिनके अंदर डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा हो एग्जाम्पल करते हैं डिटर्मन द फोर ईयर सीरीज फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय आपको एक पीरियडिक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं एफ की और यहाँ पे आप देखें कि पीरियड इसका क्या दिया हुआ है टू इसका मतलब कैपिटल टी की वैल्यू है ना हम कैपिटल टी यहाँ पे लिखते हैं पीछे हमने जो नोटेशन देखी थी टाइम पीरियड की यहाँ पे मैं आपके सामने दोबारा से दिखा देती हूँ टी प्लस कैपिटल टी ठीक है तो ये जो कैपिटल टी है ये किसे शो करता है टाइम पीरियड को यानी टाइम पीरियड हमें यहाँ पे पीरियड इसका टू दिया हुआ है तो लिमिट्स तो सिर्फ वन तक जा रही है ना लिमिट्स हमारी सिर्फ वन तक जा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाफ है हाफ रेंज सीरीज है सीरीज है ठीक है तो हाफ रेंज सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं अब देखें हम दोबारा से इसको देखें f ऑफ टू इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन ओवर टू a नॉट सिग्मा अंदर ये फार्मूला यानी फोर ईयर सीरीज की जनरल फॉर्म हमने लिख ली उसके बाद अब हमने क्या करना है तीनों को अफिशियंट्स फाइन करने हैं a नॉट अलग से a n अलग से और b n अलग से जब फाइंड कर लेंगे फिर इसके अंदर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले हम a नॉट लिख लेते हैं a नॉट का फार्मूला अभी हमने देखा था पीछे वो लिखें और लिमिट्स क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस वन से कहाँ तक दीनी है वन तक तो माइनस वन से वन तक आप इसकी लिमिट्स लगा दें एफ ऑफ टी डी टी और अब कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमें यहाँ पे टू दी हुई थी तो इस कैपिटल टी की जगह टू आ जाएगा अंदर ये लिमिट जो है माइनस वन से वन तक एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज अब एफ ऑफ टी हमारे पास दो हैं यहां पे देखें तो दो हैं तो आप क्या करें इस इंटीग्रल को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें एक पहला पार्ट जो है वो माइनस वन से जीरो तक क्योंकि ऊपर जो लिमिट्स थी वो माइनस वन से जीरो तक अलग हैं और फिर जीरो से वन तक अलग हैं तो आप भी दो लिमिट्स अलग अलग कर लें जब आपने लिमिट्स माइनस वन से जीरो तक लगाई हैं तो फंक्शन ये वाला पुट करना है टू इंटू वन प्लस टी और जब आपने जीरो से वन तक लगाई है तो ये वाला फंक्शन पुट करना है जीरो तो अब ये जो जीरो वाला था ये तो खत्म हो जाएगा तो वर्किंग सिर्फ इस पर करनी है आपने टू बाहर आ जाएगा और अंदर वन की इंटीग्रेशन टी टी की इंटीग्रेशन टी स्क्र बाई टू और लिमिट्स माइनस वन से जीरो तक आ जाएंगी अब इसके अंदर आप अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें अपर लिमिट जब पुट करेंगे जीरो तो वो तो सारा जीरो बन जाएगा माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर ओवर टू सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस वन प्लस वन बाई टू बनेगा और ये वाला जो माइनस है बाहर वो एज इट इज अब ये माइनस अगर हम अंदर ओपन करें तो वन प्लस का हो जाएगा और ये वन बाई टू माइनस का हो जाएगा वन में से हाफ माइनस करें तो पीछे हाफ बचता है एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं तो टू और टू कट करके ए नॉट का आंसर हमारे पास आ गया वन इस तरह से अब हमने ए एन निकालना है तो ए एन का जनरल फार्मूला मैंने पहले लिख लिया टी और मेगा की फॉर्म में जो अभी हमने पीछे लिखा था और लिमिट्स यहाँ पे माइनस वन से वन तक सॉरी माइनस वन से वन तक टोटल लिमिट्स दीन है फिर आगे इसको भी हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है पहली लिमिट जो होगी वो माइनस वन से जीरो तक होगी दूसरी जीरो से वन तक होगी और बाहर जो टी लिखा हुआ था ना टू ओवर ब टी उस टी की जगह भी उसकी वैल्यू हमने टू पुट कर दी और अंदर एफ ऑफ टी ये वाला यूज़ करना है जब लिमिट्स माइनस वन से जीरो तक हैं और जब जीरो से वन तक हैं तो एफ ऑफ टी जीरो दिया हुआ था ये वाला तो सारा खत्म हो जाएगा तो इस पर हमने जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करना है टू और टू यहाँ से कैंसिल ये वाला टू बाहर आ जाएगा अंदर वन प्लस टी और एज इट इज़ यानी इस पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगी ना क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं एक वन प्लस टी और एक कॉज एन ओमेगा टी तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं वन प्लस टी एज इट इज़ कॉज एन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन ओमेगा टी और टी के साथ यहाँ पे एन ओमेगा जो है वो आ रहा है तो वो नीचे उसका डेरीवेटिव मल्टीप्लाई यानी कॉज के बगैर इसका डेरीवेटिव लेना तो एन ओमेगा आता है वो डिवाइड हो जाएगा जैसे हम पीछे एन एक्स डिवाइड करते थे और लिमिट्स माइनस वन से ज़ीरो तक आ गई फिर माइनस लगा के डबल इंटीग्रेशन होती है तो एक इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं एक हम ओपन कर लेते हैं जो कॉज की है वो साइन एन ओमेगा टी ओवर एनओमेगा आ जाएगा साथ में जो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरीवेटिव आता है तो इसका डेरीवेटिव आ जाएगा वन प्लस सॉरी ज़ीरो प्लस वन तो वो यहाँ पर वन आ गया और इस पर अब आप दोबारा से इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एन ओ टी ओवर एन ओमेगा आ जाएगा और ये वाला जो एनोमेगा था ये हमने बाहर लिख लिया और इस साइड पे आप जीरो पुट करें इसके अंदर तो साइन जीरो जीरो होता है और माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो होगा यानी ये पूरा फंक्शन क्या हो जाता है जीरो तो ये तो जीरो हो गया अपर और लोअर लिमिट पुट करके और इसमें हमने क्या किया एन ओमेगा बाहर निकाल लिया अंदर साइन की दोबारा से इंटीग्रेशन की तो माइनस कॉज एन ओ टी ओवर एन ओमेगा और साथ में लिमिट्स माइनस वन से जीरो तक अब ये टू एज इट इज़ और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस एन ओमेगा इसको भी बाहर निकाल लें तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंदर सिर्फ बचता है हमारे पास अब

टी होता है तो आप क्या करें यहाँ पे इस टी की जो है वैल्यू पुट कर दें टी की वैल्यू हमारे पास क्या है इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टी की वैल्यू टू है तो हमने यहाँ पे टू पुट कर देना है टू और टू कट करके तो ओमेगा की वैल्यू के आगे हमारे पास पाए तो ये जो कॉल के साथ ओमेगा आ रहा है ना इस ओमेगा की जगह आप पाए पुट कर दें इस ओमेगा की जगह नहीं पुट करना ठीक है सिर्फ जो फंक्शन के साथ ओमेगा होगा जितनी भी एग्जाम्पल्स आगे आएंगी आपने ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन के साथ ओमेगा है ना उसमें आपने सिर्फ उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है जो बाहर होता है उसके अंदर नहीं करनी बाइन वाली टर्म एज इट इज ये कॉज एन पाया आ गया अब कॉज एन पाए एन की वैल्यू इवन होगी तो कॉल का आंसर कुछ और होगा ऑड होगी तो एन का जो कॉल है उसका आंसर कुछ और होगा तो जब आप एन की वैल्यू इवन पुट करते हैं यानी टू पाई पुट कर दें फोर पाए पुट कर दें तो कॉज जो है वो वन आता है तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाती है लेकिन अगर ये ऑड है जैसे थ्री पाए है या फाइव पाए है तो ये आंसर माइनस वन देता है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा वन प्लस वन टू 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 से मल्टीप्लाई होकर फोर ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो एन की तो हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली अब हमने निकालनी है जी बी की वैल्यूज़ तो बी की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने पहले बी का फॉर्मूला लिखा जो उसका जनरल फॉर्म है लिखने के बाद कि मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया है एफ ऑफ टी है यहाँ पे ठीक है और इधर टी की वैल्यू पुट कर दें जो हमने क्वेश्चन के अंदर टू गिवन है और अंदर एफ़ ऑफ़ टी को आपने क्या करना है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है इंटीग्रल माइनस वन से ज़ीरो तक अलग और फिर ज़ीरो से वन तक अलग ज़ीरो से वन तक हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो जीरो है और वन से ज़ीरो तक जो है वो टू इंटू वन प्लस टी गिवन है फंक्शन पुट करने के बाद इसको तो हमने जीरो कर देना है यहाँ से टू बाहर आ जाएगा ठीक है ये कटिंग हो जाती है ये वाला टू बाहर आ जाता है अब इन पे भी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन वन प्लस टी एज इट इस इज़ इसकी इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉज ओमेगा टी ओवर ओमेगा साथ में लिमिट्स आ गई अब माइनस लगा के डबल इंटीग्रेशन में से एक हमने लिख ली एक हम ओपन कर लेते हैं साइन की वो ये आ जाएगी और इसका जब आप डेरीवेटिव लेंगे तो वन आता है अब इसके अंदर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है और इसके अंदर पहले आप देखें कि अपर और लोअर लिमिट पुट करते हैं जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे ना जीरो तो यहाँ वन प्लस जीरो वन आ जाएगा और कॉस जीरो भी वन होता है ठीक है तो ये हमारे पास आ जाता है वन वन से मल्टीप्लाई होकर माइनस वन क्योंकि ये माइनस भी है ना बीच में तो माइनस वन ओवर ओमेगा अब आपने माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी है तो लोअर लिमिट हमारे पास माइनस वन है यहां पे जब आप माइनस वन पुट करेंगे ठीक है तो वो तो जीरो हो गया यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो तो वो आप बेशक यहां पे जीरो मेंशन कर दें या ना करें एक ही बात है उसके बाद आगे चलते हैं तो यहां से माइनस माइनस प्लस ये एन ओमेगा आप बाहर निकाल लें तो वन ओवर एन ओमेगा आ जाएगा अंदर बचता है कॉज एन ओमेगा टी उसकी आज जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एन ओमेगा टी ओवर ओमेगा आ जाएगा और लिमिट साइड पर हमने लगा दी अब ये माइनस वन ओवर एन ओमेगा एज इट इज ये एन ओमेगा इसके साथ मल्टीप्ला के वन ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अब इसके अंदर आप अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें सिर्फ इतने पार्ट के अंदर ये तो हमने बाहर निकाल लिया ना अपर लिमिट जब t की जगह जीरो आएगा तो पूरा फंक्शन जीरो साइन जीरो जीरो हो जाता है माइनस लगा के हमने लोअर लिमिट पुट करनी है इस t की जगह माइनस वन आएगा तो वो बन जाएगा माइनस साइन एन नोमेगर अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस ठीक है और ये वन के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा वन ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन एन ओमेगा और ये माइनस वन n ओमेगा एज इट इज़ चलता आ रहा है अब हमने पीछे जो है कैलकुलेट कर ली थी ना ओमेगा की वैल्यू एक दफ़ा अब वही चलती जाएगी आगे ठीक है ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी पीरियड पुट करने के बाद तो वो पाए आ रही थी तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू पाए हमारे पास तो टू इंटू माइनस वन अवर एन ओ ये आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जब आप साइन पाए पुट करेंगे तो पाए जो है ईवन हो या और एन इवन हो या ऑर्ड हो साइन की पाए पे वैल्यू जीरो ही होती है तो ये तो जीरो हो जाएगा सारा सिर्फ माइनस वन ओवर एन ओमेगा बचेगा टू अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस टू ओवर एन ओमेगा ये हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई अब ए नॉट ए एन और बी एन तीनों हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज अब हमने इसको फोर ईयर सीरीज़ के अंदर पुट कर देना है तो फोर ईयर सीरीज़ की जनरल फॉर्म लिखी हमने अब ए नॉट की वैल्यू वन आई थी वो पुट कर दी अब पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ए एन कॉज एन ओमेगा टी तो ए एन की वैल्यूज़ जो थी वो हम सामने रख लेते हैं कि जो हमारे पास आई थी ये वाली ठीक है जी ये देखें ए एन जो है जब इवन हो तो जीरो होता है तो यानी जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे पहले तो आपने वन पुट करना है एन की जगह तो वन तो और नंबर है तो यानी ए एन की ये वैल्यू यूज होगी फोर ओवर यहाँ पे वन का स्क्वायर वन आ जाएगा फोर ओवर ओमेगा स्क्वायर साथ में कॉज इस एन की जगह भी वन तो कॉज ओमेगा टी आ गया प्लस अब इवन है टू पुट करना है आपने इसके अंदर तो टू तो ईवन है ईवन के लिए ए एन जीरो था तो डायरेक्ट आप उसको जीरो कर दें प्लस अब आपने जो है क्या पुट करना है थ्री थ्री तो ऑड नंबर है तो फिर ये वाली टर्म आएगी फोर ओवर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर ओवर नाइन ओमेगा स्क्वायर कॉस थ्री ओमेगा टी प्लस इसी तरह से फोर पुट करना है तो वो जीरो हो जाएगा और जब आप क्योंकि वो इवन है फाइव पुट करना है तो फिर फाइव का स्क्वायर नीचे ट्वेंटी फाइव और कॉस फाइव ओमेगा टी इस तरह से ये सीरीज चलती जाएंगी प्लस अब आपने बी एन को ओपन करना है तो बी एन की वैल्यू सामने रखते हैं हमारे पास बी एन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास बी एन की एक ही वैल्यू आई थी माइनस टू ओवर एन ओमेगा तो यहाँ पे जब आप वन पुट करेंगे ठीक है तो ये आ जाएगा माइनस टू ओवर इधर वन माइनस टू ओवर ओमेगा साइन ओमेगा टू पुट करेंगे तो माइनस टू ओवर टू ओमेगा साइन टू ओमेगा टी इसी तरह से माइनस टू ओवर थ्री ओमेगा साइन थ्री ओमेगा टी माइनस टू ओवर फोर ओमेगा साइन फोर ओमेगा टी इस तरह से आपने इसको आगे कॉन्टिन्यू रखना है अब आप देखें जो यहाँ पे वन वन से मल्टीप्लाई होकर तो वन बाई टू आ गया प्लस इन सब में से जो ए वाली सीरीज है सब में फोर ओवर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो फोर ओवर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें अंदर यहाँ पे कॉज ओमेगा टी बचेगा यहाँ पे वन ओवर नाइन कॉज थ्री ओमेगा टी और यहाँ पे वन ओवर ट्वेंटी फाइव कॉज फाइव ओमेगा टी ये हमारी ए वाली सीरीज आ गई प्लस अब आपने बी वाली सीरीज में देखें तो माइनस टू ओवर ओमेगा कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें अंदर साइन ओमेगा टी बचेगा और क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस वन ओवर टू साइन टू मेगा टी प्लस वन ओवर थ्री साइन थ्री ओ मेगा टी प्लस वन ओवर फोर साइन फोर मेगा टी क्योंकि टू ओवर ओमेगा तो सब में से कॉमन ले लिया ना हमने तो ये फाइनल सीरीज आपके पास आ गई उसके बाद आती है जी हाफ रेंज सीरीज हाफ रेंज सीरीज किसे कहते हैं अब हाफ रेंज सीरीज हमने पीछे पढ़ा था ना कि वो सीरीज होती है कि जिसमें आप जो है एक इंटरवल अगर गिवन है आपको तो आप उसकी हाफ लिमिट्स ले लेते हैं पिछले आई थिंक पिछले से पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी और इवन फंक्शन के लिए हाफ रेंज सीरीज जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है सिर्फ कॉज वाली टर्म्स होती हैं उनके अंदर साइन वाली कोई टर्म नहीं होती यानी अगर आप फंक्शन लिखते हैं वाइजिकवल टू एफ ऑफ टी तो उसकी लिमिट्स जो है वो जीरो से टी तक होने की बजाय जीरो से टी बाय टू तक होंगी हाफ का मतलब यही है ना कि अगर लिमिट्स जो है वो जीरो से टी तक थी तो टी का हाफ कर लें यानी जीरो से टी बाय टू तक लिमिट्स जाएंगी इन्हें हम कहते हैं हाफ रेंज सीरीज और इसको शो तो वैसे ही करते हैं यानी पीरियड यहाँ पे आपको दिया होगा और उसका हाफ जो होगा वो इधर लिमिट दी होगी और जो इवन फंक्शन होते हैं क्योंकि वो सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट वाई एक्सिस तो वो भी हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया और इवन फंक्शन के अंदर क्या होता है साइन वाली कोई टर्म नहीं होती ना इसलिए बी एन जीरो होता है तो जब हम फाइनल फॉर्म लिखते हैं ना फोर ईयर सीरीज़ की तो ए नॉट और ए वन वाली ए एन वाली टर्म तो आती है लेकिन बी एन वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि वो जीरो हो गई है और सिर्फ कॉल वाली टर्म्स में आंसर आता है इसी तरह से जब आप ए एन का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे ना वो कैसे लिखेंगे देखें जी ए एन का बेसिक फार्मूला हमने पीछे क्या लिखा था टू ओवर टी जीरो से टी तक इसकी वो लिमिट्स थी और एफ ऑफ टी डी थी ये भी फार्मूला हमने देखा था ना ए नॉट का तो देखें जो यहाँ पे ए नॉट है उसके अंदर अगर हम लिमिट्स जो है हाफ कर दें इस लिमिट को टी की बजाय हाफ कर दें तो जब भी हम लिमिट्स हाफ करते हैं तो बाहर टू मल्टीप्लाई होता है तो फिर ये टू टू जर क्या हो जाएगा फोर ओवर टी और साथ में अंदर ये फंक्शन इसी तरह से ए एन के अंदर भी टू जब बाहर हम मल्टीप्लाई करें करेंगे लिमिट हाफ करने की वजह से तो वो टू के साथ मल्टीप्लाई फोर हो जाएगा फोर ओवर टी और साथ में जीरो से टू बाय टू और एफ ऑफ टी कॉज एन ओमेगा टी ए एन के अंदर कॉज आता है और बी एन का तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होगा ना क्योंकि बी एन तो जीरो होता है इसी तरह से जब आप ऑर्ड फंक्शन की बात करते हैं तो हाफ रेंज सीरीज़ जो है ना ऑर्ड फंक्शन के अंदर उसमें सिर्फ साइन वाली टर्म्स आती हैं कॉज वाली टर्म्स नहीं आती कॉल वाली नहीं आती इसका मतलब है कि एन ज़ीरो होता है और इसके अंदर ऑर्ड के अंदर ए नॉट भी ज़ीरो होता है ठीक है इसकी लिमिट्स भी आपने इस तरह से लिख लेनी है और हमने बता दिया कि ये जो ऑर्ड फंक्शन होते हैं इस मेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन और बी एन का जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा जैसे हमने यहाँ पे फोर निकाला था ना फोर ओवर टी इसी तरह से इसमें भी क्या बन जाता है फोर ओवर टी लिमिट्स हाफ हो जाती हैं एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी और जो फोर ईयर सीरीज बनेंगी वो कैसे बनेंगी ए नॉट वाली टर्म तो जीरो हो गई है तो ए नॉट वाली टर्म भी हटा देंगे ए एन वाली टर्म भी हटा देंगे सिर्फ बी एन वाली टर्म की फॉर्म में आपके पास फोर ईयर सीरीज आती है एग्जाम्पल करते हैं अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फोर माइनस टी और टी की जो लिमिट्स हैं वो जीरो से फोर तक हैं फ्राम फ्रॉम अ हाफ रेंज को साइंस सीरीज टू रिप्रजेंट अ फंक्शन को साइंस सीरीज हमने बतानी है तो कोसाइन सीरीज का मतलब है कि फंक्शन जो है वो क्या है ईवन है क्योंकि इवन के अंदर ही कोज वाली सीरीज आती है ना साइन वाली नहीं आती तो और यहाँ पे क्योंकि हमने हाफ रेंज बनानी है तो इट मीन्स के लिमिट आपको फोर्थ तक दी हुई है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा एट होगा यानी अगर आप इसको लिखें ना इस तरह से एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एट आएगा क्योंकि ये हाफ है तो लिमिट हाफ दी हुई है यानी इसका डबल जो है वो टी की वैल्यू होगी ये टी बाई टू है और टी की वैल्यू एट आ जाएगी तो हमने ए नॉट का फार्मूला लिखा इवन फंक्शन के अंदर हमें दो चीजें चाहिए होती हैं ए नॉट चाहिए और साथ में ए एन चाहिए तो पहले हम ए नॉट निकाल लेते हैं ए नॉट का फार्मूला लिखें फोर ओवर टी इंटीग्रेशन जीरो से फोर तक एफ ऑफ टी डी टी अब यहाँ पे आप क्या करें कि जो लिमिट्स हैं ना वो पुट कर दें डायरेक्ट जो हमारे पास है जीरो से फोर तक ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमें जीरो से फोर तक लिमिट्स के बना है तो जीरो से फोर तक हमने लिमिट्स लिख दी एफ ऑफ टी की जगह हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ ऊपर फोर माइनस टी तो वो हमने एफ ऑफ टी की जगह पुट कर दिया अब आप इसकी इंटीग्रेशन करें और जो कैपिटल टी है उसकी भी वैल्यू पुट कर दें जो हमने यहाँ पे निकाली है ना कि एट होगी वो आपने पुट कर दी कटिंग करने के बाद यहाँ पे तो वन बाई टू बचेगा ठीक है और अंदर जो है इंटीग्रेशन जब हम करेंगे ना फोर की इंटीग्रेशन करेंगे तो फोर टी आएगा और टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाय टू आएगा और लिमिट साइड पे आपने जीरो से फोर तक लगा दी अब ये वन बाय टू एज इट इज़ अंदर इस टी की जगह पहले अपर लिमिट फोर पुट करें इस टी की जगह भी अपर लिमिट फोर पुट करें लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो तो वो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा अब इसको ओपन कर लें सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन बाई टू सिक्सटीन माइनस एट और एट बाई टू तो हमारा ए नॉट का आंसर आ गया फोर अब हमने ए एन का आंसर निकालना है तो ए एन का पहले हमने फॉर्मुला लिखा जनरल लिमिट्स लगाई जीरो से फोर तक जो इस क्वेश्चन में दी हुई है टी की वैल्यू एट पुट की एफ ऑफ टी की वैल्यू फोर माइनस टी पुट की साथ में कॉज ओमेगा टी डी टी अब आपने यहां पे कटिंग करके बाहर तो वन बाई टू कर दिया लेकिन अंदर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अब दो फंक्शन हैं तो यहां पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन होगी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के अंदर पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा आएगा और लिमिट्स जीरो से फोर तक लगा दी माइनस डबल इंटीग्रेशन में से फर्स्ट ऐसे ही लिख दें और सेकेंड इंटीग्रेशन जब आप की करेंगे तो वो साइन की फॉर्म में आ जाएगी और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना अलग से तो वो जीरो तो जीरो तो, तो, तो पूरा फंक्शन जीरो पुट करते हैं तो यहां जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो और वो इससे मल्टीप्ला के फिर भी पूरा फंक्शन जीरो हो जाता है, इन दोनों पे ये हो रहा है। तो जीरो माइनस जीरो लिख दिया प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये एन ओमेगा हम बाहर निकाल लेते हैं अंदर साइन की इंटीग्रेशन दोबारा से करेंगे तो वो माइनस कॉज एन ओमेगा टी ओवर एन ओमेगा और लिमिट्स जो है वो जीरो से फोर तक हमने लगा दी इसके बाद आप देखें यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर निकाल लें तो माइनस वन ओवर एन ओमेगा पहले से है ये एन ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और अंदर कॉज इस टी की जगह आप पहले अपर लिमिट पुट कर दें फोर तो ये बन जाएगा कॉज फोर एन ओमेगा माइनस लगा के लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो तो वन होता है अब आप देखें यहाँ पे एक कॉज वाला फंक्शन आ रहा है तो इसके अंदर आप क्या करें ये जो उमेगा है इसकी वैल्यू पुट करनी है तो उमेगा का फॉर्मूला टू पाई ओवर टी होता है इस क्वेश्चन में हमारे पास टी एट है तो टू पाई ओवर एट तो पाई बाय फोर वैल्यू आ गई जब आप यहाँ पर पाई बाय फोर पुट करेंगे तो फोर फोर से कैंसिल हो जाएगा तो कॉज एन पाई ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है ठीक है ये हमने इसके अंदर पुट की ओमेगा की वैल्यू पाई बाय फोर यहाँ से फोर और फोर कट हो गया तो एन पाई की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया अब देखें यहाँ पे जो बाहर था माइनस ये इनको टू को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था माइनस वन ओवर टू एन स्क्वायर और मेगा स्क्वायर माइनस वन ओवर टू एन स्क्वायर और स्क्वायर कॉज एन पाए माइनस वन ये आ गया हमारे पास आंसर अब कॉज जो है कुछ वैल्यूज़ पे इस, इवन वैल्यूज़ पे उसकी वैल्यू प्लस वन होती है और जो ऑड वैल्यूज़ हैं उन पे माइनस वन होती है तो जब एन इवन होगा तो इसकी वैल्यू वन आएगी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाता है लेकिन जब ये ऑड होगा यानी थ्री पाए फाइव पाए तो फिर आ, इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू हो जाएगा और प्लस टू जब आएगा तो वो टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा वन ओवर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तो ये ए एन की वैल्यू हमने निकाल ली अब इसी तरह से हमने जो फोर ईयर सीरीज है उसके अंदर पुट कर देनी है सिंपल वैल्यूज क्योंकि ये इवन फंक्शन था तो इसके अंदर सिर्फ ए नॉट वाली वैल्यू आएगी और ए एन वाली वैल्यू आएगी ठीक है तो फोर ईयर सीरीज मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म नहीं लिखी तो मैं आपके सामने रख देती हूं फोर ईयर सीरीज चले आप लोग वैसे इसको देख लें कि ए नॉट की वैल्यू हमने फोर पुट कर दी और फिर हमने जब ऑर्ड वैल्यूज लिखनी थी तो ऑर्ड वैल्यूज के लिए हमारे पास जो ए एन का आंसर था वो था वन ओवर एन स्क्वायेर ओमेगा स्क्वायर तो एन स्क्वायर की जगह वन आ जाएगा वन ओवर ओमेगा स्क्वायर कॉज ओमेगा टी फिर ईवन के लिए वो जीरो था तो टू की जगह पे जीरो आ जाएगा थ्री की जगह पे फिर इसकी हमने वो फंक्शन वाली वैल्यू पुट कर दी फोर की जगह पे जीरो इस तरह से आपने इसको लेके चलना है ठीक है उम्मीद है ये आप लोग कर लेंगे ओपन क्योंकि काफ़ी ज्यादा एग्जाम्पल्स हमने कर ली हैं इसकी यहाँ पे कटिंग हो जाएगी तो टू आ जाएगा तो टू प्लस इन सब में वन ओवर मेगा स्क्वेर कॉमन आ रहा है वो कॉमन नहीं अंदर कॉज ओ मेगा टी प्लस वन ओवर नाइन थ्री ओ मेगा टी वन ओवर ट्वेंटी फाइव कॉज फाइव ओ मेगा टी तो ये हमारे पास सीरीज आ गई उसके बाद एक और एग्जांपल है जिसमें आपको उन्होंने कहा है कि एक फंक्शन आपको गिवन है जिसकी लिमिट्स भी दी हुई हैं पीरियड भी दिया हुआ है ऑप्टे हाफ रेंज साइन सीरीज आपने हाफ रेंज सीरीज निकालनी है लेकिन कौन सी साइन इसका मतलब है कि ऑड फंक्शन होगा ना साइन सीरीज के अंदर किसके अंदर आती हैं सिर्फ ऑर्ड फंक्शन के अंदर आती है तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शन ऑर्ड है और ऑर्ड फंक्शन के अंदर हमने ए एन और ए नॉट दोनों जीरो करने होते हैं सिर्फ बी एन की वैल्यू निकालनी होती है ठीक है तो बी एन की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो मैंने इसका जनरल फार्मूला लिख दिया फोर ओवर टी और लिमिट्स क्योंकि हमें जीरो से टू तक दी है वो हमने पुट कर दी एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा मेगा टी डी टी अब टी हमारे पास क्या है यहाँ पे फोर है तो फोर बाय फोर जीरो से टू लिमिट्स एफ ऑफ टी हमें यहाँ पे थ्री प्लस टी के वन है वो पुट कर दें साइन एन ओमेगा मेगा टी डी टी अब इसके अंदर क्या करना है आपने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर लेनी है ये तो कट होके वन हो गया बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे पहले पहला फंक्शन एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज आ जाएगी इसके साथ लिमिट लगा दें माइनस एक इंटीग्रेशन एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉज एन ओवर एन ओमेगा आ जाएगा और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन आता है और इस साइड पे अगर आप देखें तो अपर लिमिट जब हमने पुट करनी है टू तो यहाँ पे थ्री प्लस टू फाइव आ जाएगा और यहाँ पे कॉस टू एनओमेगा तो फाइव कॉस टू एनओमेगा और ये वाला माइनस हमने स्टार्ट में लगा दिया नीचे एनओमेगा एज इट इज प्लस अब आपने लोअर लिमिट जीरो पुट करनी है तो थ्री प्लस ज़ीरो थ्री आ गया और ये ज़ीरो सारा होगा तो कॉस जीरो तो वन होता है तो माइनस जो हमने वो तो बाहर लिखा हुआ है हमने ठीक है तो अंदर यहाँ पे अपर लिमिट के बाद हमने माइनस लगा के लोअर पुट करनी होती है ना तो ये वाला माइनस उस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा यहाँ पे थ्री बचा इधर वन ओवर एन ओमेगा तो थ्री ओवर एन ओमेगा आ गया अब ये वाला माइनस बाहर निकाल के प्लस कर दें ये एन ओमेगा को बाहर निकाल लें और अंदर कॉज एन ओमेगा मेगा टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन ओमेगा मेगा टी ओवर ओमेगा साथ में लिमिट जीरो से टू तक अब ये पहले वाली दोनों सो एज इट इज ये वाला एन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा अंदर साइन एन ओमेगा मेगा टी है अपर लिमिट पुट करें तो साइन टू एन ओमेगा और लोअर पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है तो वो माइनस जीरो आएगा वो लिखने की जरूरत नहीं है तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ गई अब इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों में से देखें वन ओवर एन ओ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से वन ओवर एन ओ कॉमन ले लें तो वन ओवर एनओ मेगा कॉमन लेंगे अंदर थ्री माइनस फाइव कॉस टू एन ओ बचेगा ठीक है ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया है माइनस फाइव वाली वैल्यू बाद में लिख दी थ्री पॉजिटिव है तो उसको मैंने पहले लिख दिया है और साथ में साइन वाला फंक्शन एज इट इज़ अब ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी ओमेगा इज इक्वल टू टू पाया ओवर टी होता है अब इस क्वेश्चन के अंदर जो टी हमें दिया हुआ था दैट इज फोर तो यहाँ पे फोर पुट करें

जब एन की वैल्यू इवन होगी ना तो फिर क्या होगा एन देखें यहाँ पे आ जाएगा टू पाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू वन होगी टू पाए है या फोर पाए है तो उसके लिए ये वन होता है कॉज तो फाइव इंटू वन फाइव थ्री माइनस फाइव माइनस टू माइनस टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू ओवर एन ओमेगा आ जाएगा और साइन की तो पाए की किसी भी वैल्यू पर आप ले लें वो जीरो होता है तो ये तो ज़ीरो हो गया ठीक है अब उसके बाद अगर एन ऑड नंबर है तो कॉज की वैल्यू माइनस वन आएगी माइनस फाइव माइनस वन से मल्टीप्ला प्लस फाइव हो जाएगा तो थ्री प्लस फाइव एट तो ये एट ओवर एन ओमेगा आ जाएगा और ये अगेन जीरो हो जाएगा तो बी एन के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई अब हमने इसको सीरीज़ के अंदर पुट कर देना है तो फोर ईयर सीरीज हमने यहाँ पे लिख ली क्योंकि हमारे पास ऑड फंक्शन है तो सिर्फ इसके अंदर बी एन वाली टर्म्स आएंगी ए एन और ए एन जीरो है तो पहले आप देखें यहाँ पे आपने वन पुट करना है जब तो वन तो ऑड नंबर है तो इसलिए हम ये वाला यूज़ करेंगे एट ओवर वन की एन की जगह वन तो एट ओवर ओमेगा ठीक है साथ में इस एन की जगह वन तो साइन ओमेगा टी प्लस अब हमने जब टू पुट करना है तो टू तो इवन नंबर है ना तो एन इवन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस टू ओवर टू ओमेगा ठीक है और साइन टू ओमेगा टी प्लस थ्री ऑड नंबर है तो एट ओवर थ्री ओमेगा साइन थ्री ओमेगा टी प्लस इसी तरह से आपने इवन ऑड के लिए वैल्यूज पुट की अब देखिए सबके अंदर हमारे पास टू ओवर ओमेगा कॉमन आ रहा है टू ओवर ओमेगा कॉमन लें यहाँ पे फोर साइन t बचेगा यहाँ पे वन ओवर टू साइन t बचेगा यहाँ पे फोर ओवर थ्री साइन t बचेगा इधर वन ओवर फोर साइन t इस तरह से आपके पास ये सीरीज आ गई जो कि हमने सिर्फ साइन की टर्म्स में निकाली है यानी ऑड फंक्शन के लिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है जी हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ रेक्टिफायर क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है नेगेटिव पोर्शन ऑफ़ वेव वेव यानी आपके पास एक है फॉर इस तरह से ये वेव आ रही है हमारे पास ठीक है तो ये क्या करता है उसमें से जो नेगेटिव पोर्शन है ना यानी ओवर के नीचे वाला उसको ये कट कर देगा तो जैसे मैंने पहले ब्लू से ड्रॉ किया हुआ था सिर्फ एक ये वाला पार्ट आएगा ठीक है और ये वाला पार्ट आएगा यानी पॉजिटिव पार्ट्स आते हैं जो नेगेटिव पार्ट्स है ना नीचे वो उनको क्लिप ऑफ कर देता है कट कर देता है तो फोर ईयर सीरीज इसकी जब हम फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे देखें जी अब ये थोड़ी सी ना डिटेल्ड एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको उन्होंने कहा है कि यू ऑफ टी अब एफ ऑफ टी की जगह उन्होंने यू ऑफ टी लिख दिया है हाफ वेव के लिए तो यू ऑफ टी इक्वल टू जीरो है जब लिमिट्स टी की माइनस टी बाई टू से जीरो तक है और यू एफ टी की वैल्यू ये आती है अगर लिमिट जीरो से टी बाय टू तक है दो फंक्शन आपको दे दिए हैं और टी उन्होंने आपको बता दिया कि किसके इक्वल है टू पाई ओवर ओमेगा और ना भी बताया तो आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला टी का फार्मूला क्या होता है टू पाए ओवर ओमेगा अब हमें तीन चीजें चाहिए फोर ईयर सीरीज के लिए ए नॉट ए एन और बी एन तो सबसे पहले हम अपना ए नॉट निकाल लेते हैं ए नॉट का फार्मूला हमने लिखा टू ओवर टी लिमिट्स लगाएं यू टी डी टी अब जब आपने लिमिट्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करनी है ना क्योंकि दो फंक्शंस दिए हुए तो आप माइनस टी बाई टू से जीरो तक अलग कर लें फिर जीरो से टी बाय टू तक अलग कर लें लिमिट्स अब आप देखें जो माइनस टू पहली लिमिट्स हैं उसमें तो इसकी वैल्यू जीरो है तो वो हमने जीरो पुट कर दी दूसरे के अंदर इसकी वैल्यू ई साइन ओमेगा टी है तो वो हमने ई साइन ओमेगा टी साथ में डी टी आ गया और बाहर जो टी था इसकी वैल्यू पुट कर दें टी की वैल्यू हमने लिखी है टू पाईवर उमेगा जो यानी टी का जो फॉर्मूला होता है तो इसकी जगह टी की जगह टू पाई ओवर उमेगा आ जाएगा अंदर ये वाला फंक्शन तो जीरो हो गया यहाँ भी जो टी आ रहा है ना इस टी की जगह टू पाई ओवर ओमेगा और ये जो नीचे ओवर टू था वो एज इट इज अब देखें यहाँ पे टू और टू तो कट हो जाता है इधर भी टू और टू कट हो जाता है तो ये ओमेगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा ओवर पाए और यहाँ पे जो लिमिट्स बनेंगी वो पाए ओवर ओमेगा बची ठीक है साथ में अंदर फंक्शन है ई साइन ओमेगा टी डी टी अब ई कॉन्स्टेंट है ई बाहर निकाल लें तो ओमेगा ई ओवर पाए और अंदर जब साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होगी ना तो वो माइनस कॉज उमेगा टी और

तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया फिर जीरो है तो वो कॉस जीरो हो जाएगा ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा और कॉस जीरो माइनस वन होता है और कॉस जीरो वन होता है तो माइनस वन माइनस वन बाहर भी ओमेगा ओमेगा कैंसिल होके माइनस ई ओवर पाए तो अंदर माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई टू ओवर पाए ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई उसके बाद हमने ए एन है तो ए एन कैसे निकलेगा पहले तो उसका हमने जनरल फॉर्मूला लिखा अब उसके अंदर आपने इस टी की जगह भी टू पाई ओवर मेगा पुट कर देना है और अंदर जो लिमिट्स हैं उनको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है हाफ लिमिट अलग और हाफ अलग पहले के लिए क्योंकि वो जीरो थी और दूसरे के लिए ई e साइन ओमेगा टी cos एन ओमेगा टी ये आपने लिख लेना है और यहाँ पे ये वाला तो जीरो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ठीक है और इसके अंदर देखें तो टू और टू कैंसिल और अंदर हमारे पास बचता है टी, एन टी। इस टी की भी आपने जो है ना वो लिमिट्स पुट कर दी हैं अब देखें यहाँ पे साइन और कॉज दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट रूल होता नहीं है और पार्ट्स इंटीग्रेशन जब सेम यानी दोनों ही फंक्शंस आ गए तो फिर तो हम अप्लाई नहीं कर सकते ना अगर एक एक्स या टी वाली फॉर्म होती दूसरा फंक्शन होता है या एक लॉग होता है दूसरा तो फिर हम उसको कर सकते थे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लेकिन यहाँ पे दोनों ही फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हमने एक दफ़ा पहले भी एक लेक्चर के अंदर किया था प्रोडक्ट टू सम के अंदर जो साइन कॉज होता है उसके साथ आपको टू चाहिए होता है तो आपने टू यहाँ पे खुद से मल्टीप्लाई किया तो बाहर आप टू को डिवाइड भी करेंगे और टू साइन कॉज जो है वो किसके इक्वल होता है साइन यानी आप इसको इस तरह लिख लेना ना टू साइन कॉज क्यू तो ये इक्वल होता है हमारे पास जी साइन पी प्लस क्यू प्लस साइन पी माइनस क्यू ठीक है तो अब देखें यहां पे टू साइन पी cos क्यू ये आपके पास लिखा हुआ है अब आपने लिखना साइन पी प्लस क्यू यानी साइन टी प्लस एन ओमेगा टी तो दोनों में से ओमेगा कॉमन आ जाता इस पी क्यू, टी एन टी। तो टी लेने के बाद वन माइनस ओमेगा बचता है अब यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं देखिए पीछे हमारे पास जो फंक्शंस होते थे ना उनमें सिर्फ एन ओमेगा टी होता था तो हम एन की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट निकाल लेते थे आगे जाके कि इवन होगी ऑड होगी लेकिन यहाँ पे एन के साथ वन एड हो रहा है तो अगर हम देखें यहाँ पे वन पुट करते हैं ना एन की जगह तो ये फंक्शन जीरो हो सकता है तो यानी हमने एन इज इक्वल टू वन के लिए इसे अलग से टेस्ट करना है और एन इज इक्वल टू बाकी जो वैल्यूज हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स उनके लिए अलग से टेस्ट करना है तो एन इज इक्वल टू वन के लिए जब हम इसको टेस्ट करेंगे ना तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस वन टू हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा ही आंसर क्या आता है जीरो आता है ठीक है ये तो डायरेक्ट जीरो हो गया ना और इसको जब आप इंटीग्रेशन वगैरह करके सॉल्व करेंगे ना तो आंसर ये ए एन इज इक्वल टू जीरो आएगा तो ए एन की एक तो ये वैल्यू आ गई किस पे एन इज इक्वल टू वन पे अब बाकी अगर एन इज इक्वल टू वन नहीं है यानी टू थ्री फोर फाइव कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी तो इसको आप फर्दर जो है वो इंटीग्रेट कर लें ओमेगा ई ओवर टू पाए ये हमने लिख लिया साइन इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो हो जाएगी माइनस कॉज वन प्लस एन ओमेगा टी और इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं ना तो वन प्लस एन उमेगा आता है वो आपने साथ में डिवाइड कर दिया उसके बाद देखें ये जो साइन है उसकी भी इंटीग्रेशन माइनस कॉज साथ में ये वाला इसका एंगल एज इट इज और फिर वन माइनस एन ओमेगा साथ में डिवाइड भी होगा लिमिट्स आपने ज़ीरो से लगा दी पाई ओवर उमेगा तक अब इसके अंदर आप जब लिमिट्स पुट करेंगे माइनस कॉज एज इट इज़ वन प्लस एन

अब देखें एन अगर ऑड है इसके अंदर देखें एन अगर ऑड है अगर एन ऑड हो तो क्या होता है जो कॉज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है अगर एन यहाँ पे ऑड होगा तो ऑड के अंदर वन प्लस करेंगे जब हम तो वो तो ईवन बन जाएगा और ईवन पे कॉज की वैल्यू क्या होती है वन होती है ठीक है तो माइनस वन इस प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये ज़ीरो बन गया इसी तरह से इसके अंदर भी जीरो बन जाएगा तो जीरो प्लस जीरो आप पूरा जो है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एन की वैल्यू जीरो आ जाती है लेकिन अगर एन एक इवन नंबर है तो इवन नंबर एन की जगह पुट करेंगे और उसमें वन ऐड किया तो वो तो ऑड बन गया ना तो ऑड के ऊपर उसकी वैल्यू माइनस वन होती है ठीक है तो माइनस माइनस ये प्लस वन हो जाएगा वन प्लस वन टू ओवर वन प्लस एन तो ये टू ओवर वन प्लस एन ये जो ओमेगा था ये ओमेगा हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पे और इसके साथ कट कर दिया तो सिर्फ ई ओवर टू पाई बचा और अंदर वन प्लस एन बच गया इसी तरह से यहाँ पे भी जब आप पुट करेंगे तो माइनस वन और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा और वन प्लस वन जो है वो टू ओवर वन माइनस एन अब आप इन दोनों की ना यहाँ पे एलसीएम ले लें दोनों का एलसीएम लेंगे जब आप तो देखें वन प्लस एन वन माइनस एन एज इट इज़ ऊपर एलसीएम यहाँ पे वन प्लस एन वाली टर्म्स तो सेम है ना दोनों ये नहीं आएंगे ठीक है तो टू किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एन के साथ तो टू माइनस टू एन प्लस इसी तरह से वन माइनस एन सेम है तो वन प्लस एन टू के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी सिंपल जैसे भी जिस तरीके से आप एलसीएम लेते हैं ना इजिली वो आप यहाँ पे एलसीएम ले लें उसके बाद बाहर वाली टर्म जो है वो हमने एज इट इज लिखी अंदर ये दोनों कट हो रहे थे टू प्लस टू फोर और ए प्लस बन टू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब फोर ई e से मल्टीप्लाई होगा फोर ई ओवर टू पाए इंटू वन माइनस एन स्क्वायर अब टू और फोर की कटिंग कर दें यहाँ पे कटिंग करने के बाद फिर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे बचता है टू ई ओवर पाए इंटू वन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन अब इसी तरह से आपने बी एन की वैल्यू निकालनी है ठीक है बी एन की हमने जनरल फॉर्म लिखी उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया दो तो पहले वाले तो ज़ीरो है तो ये तो जीरो हो गया ठीक है इधर भी टी और टी की वैल्यूज आपने पुट कर देनी है सेम जैसे हमने ए एन एन ए एन के अंदर किया है अब यहाँ पे भी आपको साइन और साइन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आ रहे थे तो इधर भी आपने प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगाना है लेकिन प्रोडक्ट टू सम के लिए यहाँ पे साइन और साइन जब आते हैं ना तो माइनस टू होना चाहिए साथ में तो माइनस टू मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया और अंदर माइनस टू साइन साइन को जब आप ओपन करते हैं प्रोडक्ट uh, से सम के अंदर जाते हैं तो आता है कॉस पी प्लस क्यू माइनस कॉस पी माइनस क्यू अब यहां पे भी आप देखें कि एन के साथ वन क्यूंके ऐड हो रहा है तो अगर एन की जगह वन आएगा तो ये तो माइनस ओके जीरो हो जाएगा ना तो इसलिए हम एन इज इक्वल टू वन के लिए इसे अलग से टेस्ट करेंगे एन इज इक्वल टू वन के लिए आप इसे टेस्ट करेंगे तो बी एन इज इक्वल टू ये बाहर वाली जो टर्म है ये एज इट इज अंदर यहां पे वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा कॉस टू ओमेगा टी माइनस यहां पे पुट करेंगे वन तो ये तो सारा जीरो हो गया ठीक है तो यहां पे कॉस जीरो होता है तो कॉस जीरो वन आता है तो यहां पे आ जाएगा माइनस वन अब कॉस की इंटीग्रेशन करें साइन टू मेगा टी ओवर टू मेगा और वन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास टी आ जाएगी अब इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट करके जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना तो बी एन की वैल्यू हमारे पास ई ओवर टू आ जाती है यानी जब हमने एन इज इक्वल टू वन पुट करना है फोर ईयर सीरीज के अंदर तो बी एन की ये वाली वैल्यू आएगी अब अगर एन इज इक्वल टू वन नहीं है तो फिर इसी को आगे लेकर चलते हैं कॉज की इंटीग्रेशन की इसी तरह से इस कॉज की भी इंटीग्रेशन की और बाहर हमने लिमिट्स लगा दी उसके बाद जब आपने इंटीग्रेशन uh, करने के बाद लिमिट्स पुट करनी है तो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी ठीक है लिमिट्स तो आप पुट कर लेंगे ना अब तो इनके अंदर ये दोनों सेम टर्म्स बन रही हैं तो हमने इनको कट कर दिया तो फाइनल आंसर हमारा बी का क्या आ गया जीरो अब आपने फोर ईयर सीरीज लिखनी है ये जनरल फॉर्म हमने लिखी है ऊपर इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें ए नॉट की ये वैल्यू आई थी ए एन की जब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो एन जो है वो एन इज इक्वल टू वन के लिए जीरो है ना तो एन इज इक्वल टू वन के लिए आप उसे जीरो लिख दें हमने पीछे ए एन को एन इज इक्वल टू वन के लिए अलग से टेस्ट किया था ना जो कि जीरो आया था तो वन जब आपने पुट करना है तो वो जीरो आ जाएगा फिर आपने टू पुट करना है तो टू क्योंकि एक इवन नंबर है तो अगर आप एन यहाँ पे देखें एन जब इवन था तो ए एन की वैल्यू हमने ये निकाली थी तो इसको आपने पुट करना है टू ई ओवर पाए इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर वन होगा तो वन माइनस वन जीरो ठीक है सॉरी टू पुट करना है ना हमने तो टू का स्क्वायर फोर होगा वन माइनस फोर करेंगे तो माइनस थ्री आएगा तो टू पाए टू ई ओवर पाए इंटू माइनस थ्री साथ में कॉस टू मैगाटी थ्री पुट करना है थ्री ऑड है तो ऑड के लिए ए एन की वैल्यू जीरो थी वो जीरो हो जाएगा फोर पुट करना है तो टू ई ओवर पाए इंटू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और यहां पे माइनस फिफ्टीन आ जाएगा तो पाए इंटू माइनस फिफ्टीन कॉस फोर इस तरह से ये सीरीज चलती जा रही है और बी एन जब हमने निकाला है तो बी एन की जो हमने वैल्यूज निकाली हैं तो हमने देखा था कि बी एन की वैल्यू वन के लिए जो आई थी जब एन एज इक्वल टू वन हो तो बी एन की वैल्यू हमने निकाली थी ई बाई टू तो जब हमने वन पुट करना है ना इसकी जगह तो वो ई बाय टू साइन मेगा टी आ जाएगा यहाँ पे सॉरी साइन आता है साइन मेगा टी अब इसी तरह से आपने जब आगे टू पुट करना है तो हमने देखा है कि बी एन की वैल्यू जो है बाकी सब के लिए क्या आ रही है जीरो टू थ्री फोर बाकी सब के लिए जीरो है तो आगे तो जीरो आ जाएंगे सारे वो लिखने की जरूरत नहीं है अब इन सब के अंदर देखें हमारे पास टू और टू कट होने के बाद ई ओवर पाए बचता है माइनस इन सब के अंदर टू ई ओवर पाए कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे माइनस भी सबके साथ आ रहा है तो माइनस टू ई ओवर पाए कॉमन ले लें अंदर बचेगा वन ओवर थ्री कॉस टू मेगा टी प्लस वन ओवर फिफ्टीन कॉस फोर मेगा टी और ये सीरीज इस तरह से चल रही है इसी तरह से जो एंड वाली टर्म है बी एन की वो हम एंड पे लिख देंगे चाहे तो उसको आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं और आपके हैंड ओवर्स में ना इसको थोड़ा सा उन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है थ्री को वन डॉट थ्री और फिफ्टीन को थ्री डॉट फाइव यानी वन के बाद थ्री और फिर अगला नंबर आएगा फाइव इस तरह से थ्री के बाद फाइव है फिर अगला नंबर आएगा सेवन इस तरह से ये आगे सीरीज चल रही है